नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। आप सब कैसे हैं? आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अंदाज अलग होने वाला है, क्योंकि वीडियो है कमर्शियल सेगमेंट के दर्शकों के लिए, उन सब भाई बहनों के लिए जो पिकअप ट्रक खरीदना चाहते हैं और उनकी दरकार है 1000 किलो पेलोड से ज़्यादा। आप देख के समझ गए होंगे, मेरे साथ जो खड़ी है आज, ये है टाटा की काफ़ी प्रचलित इंट्रा। लेकिन आप कहेंगे इंट्रा क्या ज़रूरत है इस वीडियो की, तो इंट्रा पहली ऐसी पिकअप ट्रक है अपने सेगमेंट में जहां पे आपको बाई फ्यूल मतलब CNG का विकल्प मिल जाएगा। और हमारे साथ वही आज मौजूद है, V20 इंट्रा CNG। चलाने में कैसी है ज़रूर बात करेंगे, लेकिन क्या आपको इस पर पैसे खर्चने चाहिए, क्या कैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, किस तरह का रेंज आपको CNG के साथ मिलता है, केबिन में क्या सब सुधार किए गए हैं, बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है ज़रूर अंत तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं CNG टैंक के साथ, क्योंकि यही शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सेगमेंट में आपको नहीं मिलेगा, भारत की पहली पिकअप है जहां पे आपको CNG का विकल्प मिल रहा है। तो कितना लीटर का टैंक दिया गया है, तो यहां पे जो टैंक है ये 80 लीटर का है, जिसका ये मतलब होता है कि आप गैस भरवा सकते हैं वही 10 से 12 किलो डिपेंडिंग फ्लो कैसा है। एक सिलेंडर इस तरफ रखा गया है, दूसरा सिलेंडर दूसरी तरफ दिया गया है। इसके साथ जो पेट्रोल का कॉम्बिनेशन मिलता है, पेट्रोल टैंक आप दो तरह का ले सकते हैं। एक तो आपको 35 लीटर वाला मिल जाएगा जो रेगुलर आता है, या फिर आप 5 लीटर वाला भी एक छोटा टैंक वेरिएंट ले सकते हैं पेट्रोल के लिए। तो ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है, अगर 80 लीटर का जो ये CNG टैंक है इसके साथ 35 लीटर का पेट्रोल जोड़ लें इस बाई फ्यूल कॉम्बिनेशन में, कंपनी कह रही है आपको 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी आप एक ही बार में तय कर सकते हैं। मतलब रेंज 700 किलोमीटर, रियल लाइफ में आप 600 से 650 मान के चलिए। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं कहां से आप CNG भरेंगे। तो ये तो रहा आपका पेट्रोल का इनलेट, आप यहां पे चाबी डालिए, इसको खोल के आप पेट्रोल यहां से भर सकते हैं। रेगुलर इनलेट है, अभी E20 कंप्लायंट है, BS6 फेज 2 नॉर्म के तहत E20 कंप्लायंट है, और साथ ही साथ RDE रियल ड्राइविंग एमिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ये फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पे जो खास है वो है, अगर आप थोड़ा क्लोज आके देखें तो ये है इसका CNG का इनलेट। अच्छी बात ये है कि रेगुलर नॉजल दिया गया है, जैसे हम देखते हैं CNG की गाड़ियों में वैसा ही नॉजल फैक्ट्री फिटेड दिया गया है। टाटा की हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्पेस में बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं CNG में, वैसा ही यहाँ भी हिसाब किताब लगाया गया। और इस नॉजल की खासियत ये है कि बाई चांस अगर आप भूल जाएं इसे एक जगह में प्लेस करने से, तो गाड़ी ऑन नहीं होगी। यहाँ पे एक सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो V20 इंट्रा सीरीज की जो कीमत है उस पर तो ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन डेक के बारे में बात कर लेते हैं। डेक के साथ V10 से V50 सारी मॉडल्स की बात करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि CNG के लिए आपको कितने खर्च करने पड़ रहे हैं। तो बेस जो आता है V10, उसकी कीमत है 7.65 लाख रुपए एक्स शोरूम। डेक सारे मॉडल्स में जो चौड़ाई है वो सेम है, लंबाई डिफर करती है, 8 फुट 2 इंच का आपको मिल जाएगा। फिर आता है ये वेरिएंट V20 बाई फ्यूल या फिर CNG। याद दिला दूं, डीजल को निकाल दिया गया है और डीजल के जगह पे आपको मिलेगा अब V20 में बाई फ्यूल। V20 और V30 इन दोनों का डेक साइज सेम है, मतलब ये लोडिंग वाला जो एरिया है ये सेम है। यहाँ पे जो लंबाई है ये 8 फुट 8 इंच रखी गई है। कीमत बाई फ्यूल इंट्रा की 8,15,000 रुपये, और वहीं V30 की कीमत है 8.5 लाख रुपये। और जो टॉप ऑफ द लाइन V50 आता है, जिसमें आपको 1,500 किलो का पेलोड मिल जाएगा, वहाँ पे जो कीमत है वो 9.32 लाख, मतलब 9,32,000 रुपये, और वहाँ पे डेक की जो लंबाई है वो 9 फीट 8 इंच रखी गई है। माल आपने लांद लिया, अब सड़क पे चलने की बारी आती है। तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है केबिन, ये केबिन का जो लेआउट है D+1 है, ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर और आ सकता है। यहाँ पे सीट की अगर बात करें तो ये सीट आपको ऑब्वियसली एडजस्टेबल मिलता है, मतलब इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं, और इसका जो पीछे का बैकरेस्ट एंगल है ये भी आप
अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छी बात है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है ये लेदराइट मटेरियल दिया गया है, फैब्रिक नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको पसीना या चिपचिपाहट महसूस हो सकती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना आपको एक खुलापन देखने को मिलेगा। बड़े बड़े ग्लासेस दिए गए हैं, पीछे का जो स्लाइडेबल विंडस्क्रीन दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा खासा साइज़ का दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है वो है कम्फर्ट, और कम्फर्ट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फीचर है, वो है इसका इलेक्ट्रिक असिस्ट पावर स्टीयरिंग। मतलब लंबी दूरी कवर करते हैं तो आपको थकावट कम महसूस होगी। सामने से जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, विंडस्क्रीन काफ़ी फ्लैट है, अपराइट है, मतलब आपको यहाँ से जो सड़क का नज़ारा मिलेगा वो काफ़ी क्लियर मिलेगा। आपको ऑब्वियसली अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना चाहते हैं, लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पर एसी भी कंपनी मुआयना करवा के देगी। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे, म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हैं। रिवर्स के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल करती है कंपनी। यहाँ पे सेफ्टी के तहत फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, और ओवरऑल जो यहाँ पे कवरिंग दी गई है ना, मतलब जो यहाँ पे पैडिंग दी गई है, ये मुझे पसंद आ रही है। ऊपर की तरफ भी अगर देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जिस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ये मुझे अच्छा खासा लग रहा है। कमर्शियल सेगमेंट में हम देखते हैं अक्सर ही बहुत कॉस्ट कटिंग की जाती है, वो थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं लगेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन की गई है। और एक स्पेशल फीचर आपको यहाँ मिल जाएगा जो इसका 5-स्टेप मैनुअल गियरबॉक्स है। ये एक्चुअली वायर बेस है और रॉड बेस नहीं है। हम जनरली देखते हैं कमर्शियल पिकअप सेगमेंट में रॉड बेस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वायर बेस जैसे अक्सर ही गाड़ियों में, पर्सनल गाड़ियों में हम देखते हैं, वैसा ही हिसाब किताब दिया गया है। ये अगेन आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को सुलझाता है, आपको और ज़्यादा आराम प्रदान करेगा जब आप लंबी दूरी कवर कर रहे हैं। ओवरऑल क्वालिटी दूसरी गाड़ियों से थोड़ी सी बेहतर है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो दिया गया है ड्राइवर के सामने, जो ये डिस्प्ले दिया गया है, ये पूरा का पूरा डिजिटल दिया गया है। साथ ही साथ कंपनी कनेक्टेड फीचर्स भी देती है, मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंट्रा है या फिर टाटा की गाड़ियाँ या फिर कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, आप फ्लीट ओनर हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी की हेल्थ चेक कर सकते हैं घर बैठे ऐप के माध्यम से। और ये ऐप OTA ओवर द एयर अपडेट भी होता है, एक 4G सिम के साथ लैस है ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। गौर से देखेंगे तो इसका जो स्पेयर व्हील है या फिर स्टेपनी जिसे कहते हैं, इसे पीछे की तरफ लोड किया गया और यहाँ पे इसे हुक के द्वारा बांध दिया गया है। अगर चक्कों की साइज़ की बात करें तो यहाँ पे R14 आपको मिल जाते हैं, 14 इंच के रेडियल टायर्स मिलते हैं, और यहाँ पे टायर का जो प्रोफाइल है वो 165 दिया गया है। इसके ऊपर जो V50 आता है वहाँ पे R14 ही मिलेंगे, लेकिन उनके प्रोफाइल और ज़्यादा चौड़े आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, जो काफ़ी मायने रखती है, ये ग्राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसे लोड लादेंगे तो वो और थोड़ा नीचे की तरफ गिरता जाएगा। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं साइड में दिए गए हैं, सामने की ओर से देखें तो पिछले साल इसका फेसलिफ्ट आया था, मतलब बहुत सारे चेंजेस किए थे कंपनी ने योद्धा और इंट्रा सीरीज में, और उसी के तहत कुछ डिज़ाइन में चेंजेस हुए हैं। लाइट हालांकि वही आपको हैलोजन मिल जाएंगे, थोड़े डिज़ाइन को चेंज कर दिए गए हैं। अच्छा खासा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, क्रोम, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ग्रे टाइप का एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो ओवरऑल लुक को ये निखारने की कोशिश करता है। इंट्रा की बैजिंग, पिकअप की बैजिंग आपको सामने मिल जाएगी। V20 का भी एक साइड में लोगो दिया गया है। सिंगल पीस बम्पर यहाँ पर मिल जाएगा, और फॉग लैम्प तो ऑब्वियसली मिलता नहीं है, लेकिन उसके लिए एक कटआउट बना दिया गया, आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कीजिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रिफ्लेक्टर प्लेट भी सामने की ओर दिया गया है, और यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग भी मिल जाएगी, जो इसे अगेन खास बनाती है। कमर्शियल गाड़ियों की ज़रूरत किस चीज़ में है, पिकअप अच्छा मिल जाए, आप लंबी दूरी आराम से कवर कर पाएँ, जो ड्राइवर सीट से सामने की विजिबिलिटी है वो अच्छी हो, यही सब चीज़ें चाहते हैं ना। तो मुझे लगता है इंट्रा में विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है ही, क्योंकि आप कमांडिंग काफ़ी ऊँचा बैठते हैं, जो व्यू मिलता है वो अच्छा है। इसके साथ साथ कंफर्ट भी मुझे अच्छा खासा महसूस हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफ़ी हल्का फुल्का है, क्योंकि वही आपको
इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, मतलब असिस्टेड वाला स्टीयरिंग व्हील है। उतनी ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी जब आप लंबा चलाएंगे। अब देखिए, क्योंकि हम इस पे माल लाद के नहीं चला रहे हैं तो कुछ बातों पे बहुत ज़्यादा हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सस्पेंशन की कैसी है क्वालिटी। सस्पेंशन के तहत आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पाटा सस्पेंशन, जिसे सेमी इलिप्टिकल सस्पेंशन भी कहा जाता है। सामने पीछे पाटा सस्पेंशन का यूज़ किया गया है। सुपर कैरी, जो इससे कह सकते हैं एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है मारुति की, वहाँ पे आपको कॉयल देखने को मिलते हैं। और हम अक्सर ही देखते हैं कि हमारे दोस्त कहते हैं कि पाटा सस्पेंशन की जो जितना चलता है पाटा सस्पेंशन वो कॉयल से ज़्यादा है। मेंटेनेंस भी पाटा सस्पेंशन में काफ़ी कम आपको दिखाई देगा। ओवरऑल मुझे यहाँ से जो महसूस हो रहा है, सीएनजी और पेट्रोल के ऑब्वियसली आने के साथ, डीजल के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा तो ऑब्वियसली फील अलग है, चेंज है। लेकिन शहरी ट्रैफिक में या फिर आप हाईवे पे अगर एक स्पीड पे चलाते हैं, आप अपने सब्ज़ी या डेयरी प्रोडक्ट को एक शहर से दूसरे शहर बेचना चाहते हैं माल, तो मुझे लगता कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत महसूस होगी। सीएनजी पे लगभग 52 PS का पावर बनाती है इंजन, वहीं जो पेट्रोल है पेट्रोल में लगभग आपको 58 PS की पावर देखने को मिल जाएगी। 100 Nm से ज़्यादा का यहाँ पर पीक टॉक मिल जाएगा पेट्रोल मोड में, थोड़ा सा कम मिलेगा सीएनजी में। तो मुझे यही लगता है कि बचत की ओर ये काफ़ी बड़ा सा स्टेप लिया है टाटा ने। अभी तक इस सेगमेंट में, पिकअप ट्रक सेगमेंट में कोई भी सीएनजी विकल्प नहीं था, तो मुझे लगता है, और हम देख भी रहे हैं मार्केट में कि काफ़ी सीएनजी का डिमांड भी बढ़ रहा है। माइलेज की बात करें तो हमने काफ़ी सारे ड्राइवर्स के साथ बात किया है, सीएनजी में पर्टिकुलर सीएनजी मोड में आपको 24 तक का औसत मिल जा रहा है। आप बहुत अच्छा चलाएंगे, लाइट फुट चलाएंगे तो 24 तक का औसत मिल जाएगा, और अमूमन ट्रैफिक में आप 18 से 20 मान के चल सकते हैं। आपको अगेन याद दिला दूं, शायद वो डीजल वाला पिकअप आपको टॉर्क ना मिले, लेकिन पेट्रोल के आने के साथ आपको इंस्टेंट जो पिकअप मिलता है वो बेहतर है। टॉर्क थोड़ा सा कम फील होगा, मतलब जब आप चढ़ाई में फुल लोड के साथ जाएंगे तो शायद आप डीजल को थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, लेकिन वो मिस शायद पैसे के साथ ओवरकम हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं सीएनजी के साथ एक तो पोल्यूशन भी कम होता है और आपके बचत की ओर भी एक राह निकल आती है। तो ये तो था एक ब्रीफ एक्सपीरियंस टाटा इंट्रा V20 बाईफ्यूल या फिर सीएनजी के साथ। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपके चाहने वालों में कोई पिकअप ट्रक खरीदने का सोच रहे हैं या फिर इंट्रा सीएनजी के बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।